लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरकारी विभागों के साथ स्कूलों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों की राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। साथ ही जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विगत कई वर्षों से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को मजबूती प्रदान करने और अक्षुण बनाए रखने की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का एक उत्तम अवसर है। देखिए, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, उसके अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम आज यहाँ पर भी किया जा रहा है कि जो हमारे पेशेंट हैं उनको फलों का वितरण किया जा रहा है। ये CMS साहब और उनके साथियों के सहयोग से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। वैसे जिले में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी सुबह रन रेस भी हुई थी, आज शपथ ग्रहण भी हुआ है, और निश्चित रूप से उनका जो देश के प्रति योगदान रहा है उसके प्रति ये जो सम्मान हम लोग सभी लोग प्रदर्शित कर रहे हैं देशवासी, उनके त्याग के सामने बहुत छोटा है। तो मैं इस अवसर पर सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस मौके पर ADM प्रशासन सुरेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर, उपनिदेशक सूचना जहांगीर अहमद, प्रशासनिक अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, अभिषेक सिंह, नावेद सिद्दीकी, अतुल अग्रवाल आदि तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।